We have some breaking news coming in. Blast outside CRPF school in Delhi's Rohini. Caught on camera, plumes of smoke after the blast. A blast has been reported outside CRPF school in the Prashant Vihar area of Rohini district. The fire department was informed about the incident at around 7:50 a.m. after which two fire brigades were immediately dispatched. However, no fire or damage to the wall has been found so far. The team is continuously carrying out searches in the area, is what the fire department has said. Blast happened next to the wall of the CRPF school. Signboards of the shops opposite to the blast location were damaged because of the impact. These shops are 30 feet away on the other side of the carriageway. Arvind Ojha is joining us live on the broadcast. Arvind, hame aur jankari dijiye, ye blast kab hua aur iske piche wajah kya thi? देखिए, सुबह 7:45 पर दिल्ली पुलिस को एक जानकारी मिली कि जो रोहिणी का प्रशांत विहार इलाका है, वहां पर सीआरपीएफ का स्कूल है, वहां पर जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की पुलिस पहुंची है टीम, और जब स्पॉट देखा गया तो ये सामने आया कि जो सीआरपीएफ की स्कूल है, धमाके से उसकी जो दीवार है वो क्रैक हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्लास्ट है उसकी इंटेंसिटी कितनी रही होगी। आसपास की जो दुकानें हैं और जो गाड़ियां खड़ी थी वो डैमेज हो गई हैं इस ब्लास्ट से। अब ब्लास्ट का नेचर क्या है, इस बारे में जो एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है, जो फॉरेंसिक की टीम है वो वहां पर जांच कर रही है, जो आसपास चीजें पड़ी हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि ब्लास्ट का नेचर क्या था, क्या ये कोई बम धमाका था या फिर किसी वजह से ब्लास्ट हुआ था। जो पूरा एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन जो इंडिया टुडे के पास तस्वीरें हैं स्पॉट की, उसमें साफ देखा जा सकता है कि जो दीवार है सीआरपीएफ के स्कूल की वो क्रैक हो गई है। साथ ही साथ 30 फुट की दूरी पर जो शॉप्स है वो शॉप्स डैमेज हो गए हैं, जो गाड़ियां खड़ी हैं वो गाड़ियां डैमेज हो गई हैं। तो इससे जो वहां पर एक्सपर्ट है वो अंदाजा लगा रहे हैं कि जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा रही होगी। जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है, स्पेशल सेल की टीम, वो भी स्पॉट पर पहुंच गई है। चूंकि सीआरपीएफ स्कूल से जुड़ा मामला है, सेंसिटिव मामला है, इस वजह से दिल्ली पुलिस की टीम ने और भी एक्सपर्ट को कॉल किया है। तो फिलहाल जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कि उनको एक ब्लास्ट की कॉल मिली है, जिसके बाद एफएसएल की टीम को स्पॉट पर बुलाया गया है। एफएसएल की टीम जो पूरा वहां पर जो भी सामान वहां पर मिला है उसको कलेक्ट कर रही है, उसके बाद जांच करेगी, जिसके बाद ही पता चलेगा कि ये किस तरह का धमाका है। लेकिन स्निफ और डॉग की मदद से जो आसपास का इलाका है वहां पर जो दिल्ली पुलिस की टीम है जांच पड़ताल कर रही है। 7:45 और जब ये धमाका हुआ था तो काफी धुआं भी फैला था। इंडिया टुडे के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जस्ट आफ्टर द ब्लास्ट की, किस तरह से वहां पर जो धुएं का गुबार है वो दिखाई दे रहा है। अब ये धमाका किस तरीके का था इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जी, तो ये कैसा एक्सप्लोजिव यूज हुआ था, ये आईईडी था, कैसा एक्सप्लोजन था, इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास? नहीं, देखिए, अभी क्या ये एक्सप्लोसिव है या किस तरह का धमाका है, नेचर ऑफ ब्लास्ट के बारे में अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है। यहां मैं आपको साफ कर दूं कि जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि एक्सपर्ट, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, उनको बुलाया गया है, जिसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है, क्या ये कोई आईईडी है या फिर सिलेंडर ब्लास्ट है या फिर कुछ और है। लेकिन इतना साफ है कि ये जो धमाका हुआ इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी, बहुत दूर तक आवाज सुनाई दी। और जो इंडिया टुडे के पास तस्वीरें हैं जिसमें जब ये सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ, नंबर एक, जो सीआरपीएफ स्कूल की जो वॉल है वो क्रैक हो गई है, उसके अलावा 30 फुट की दूरी पर जो शॉप्स है उस शॉप्स डैमेज हुई है, जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी वो गाड़ियां डैमेज हो गई हैं। तो ब्लास्ट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी और ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार भी वहां पर दिखा गया। अब ये क्या कोई बम धमाका है, क्या कोई आईडी ब्लास्ट है या फिर कुछ और है, ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट स्पॉट पर पहुंचे हैं
वो ही क्लियर कर पाएंगे। सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने एनएसजी को भी कॉल किया है, जो एनएसजी की बम डिस्पोजल की टीम होती है वो स्पॉट पर आती है, वो जांच पड़ताल करती है, जो स्पॉट से जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाते हैं, उसको लैब में भेजा जाता है, उसके बाद कोई क्लियरिटी आती है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट है स्पेशल सेल, वो भी एक्टिव हो गई है। जो पूरा इलाका है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर जाकर जांच पड़ताल की जा रही है। जो एक्सपर्ट है वो काफी ज्यादा चौंक गए हैं, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो सीआरपीएफ की जो वॉल है वो क्रैक हो गई है, साथ ही साथ आसपास की जो शॉप्स है वो डैमेज हो गए हैं, जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी वो भी डैमेज हो गई। अब नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है ये दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी, कोई इंजरीज रिपोर्ट हुई थी वहां पे ब्लास्ट की वजह से? देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो वहां पर पहुंचे हुए, स्पेशल सेल की टीम वो वहां पर पहुंची हुई है, और जो सोर्सेस है वो बताते हैं कि कुछ देर बाद एनएसजी की टीम एक आ सकती है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची हुई है दिल्ली की, वो सभी लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी इतना क्लियर है कि जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह का डैमेज हुआ है उससे यह साफ पता चल रहा है कि जो ब्लास्ट की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। अब जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो जो आसपास के नमूने हैं वो कलेक्ट करके उसको एग्जामिन करके वो दिल्ली पुलिस को क्लियर करेंगे, तभी ये बता पाएंगे कि ये नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है, क्या कोई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ, क्या कोई आईडी ब्लास्ट हुआ, या फिर किसी वजह से धमाका हुआ। तो फिलहाल इसकी जांच पड़ताल दिल्ली पुलिस की टीम, फैसल की टीम कर रही है।